हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक किड्स छोटे बच्चों का पैजामा कह सकते हैं या तो शॉर्ट्स कटिंग स्टिचिंग देखने वाले हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था। सो उसके लिए देखिए, मैंने ये वाला कॉटन क्लॉथ लिया है। कॉटन क्लॉथ समर्स में बहुत कम्फर्टेबल होता है। तो पहले हम देखिए, इस तरह से हमारे पास अगर कोई भी साइज़ का, अपने बच्चों के साइज़ का पैजामा हो तो उसका हम इस तरह से मेजरमेंट फर्स्ट ले लेंगे। ये होगा वेस्ट का पोर्शन, तो यहाँ पे ये 5 है। या तो आप आपके बच्चों का इस तरह से वेस्ट का मेजरमेंट करके भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, तो उसके लिए पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक एक पार्ट में कट करेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से फोल्ड किया है मैंने। अब इसका हमारा ये जो वेस्ट पोर्शन था, देखिए ये हमारा 5 है। 5 मीन्स देखिए, इस तरह से हमारा फुल वेस्ट पोर्शन का 1/4। तो इस तरह से हम 5 लेंगे। देखिए फुल वेस्ट इस तरह से मेजरमेंट कीजिएगा आप, तो 20 आता है। 20 का हम 1/4 लेंगे, तो 20 का 1/4 इस तरह से 5, क्योंकि हमने कपड़े को इस तरह से ऐसे फोल्ड किया है। ये एक पार्ट आएगा और एक ऐसा वाला पार्ट आएगा, तो हम 5। और इलास्टिक लगाने के लिए तो हम एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे, एक्स्ट्रा 2। तो इस तरह से हमने 7 इंच लिया है। और अब इसका क्रॉच पोर्शन देखेंगे। तो इसका जो क्रॉच पोर्शन होता है, देखिए यहाँ पहले हम इसका हाइट देखेंगे। हमने इसका हाइट यहाँ से तो यहाँ तक इस तरह से, इसका टोटल हाइट 22.5 है। तो 22.5 के लिए देखिए, ऊपर एक 3 इंच हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि ऊपर हम इलास्टिक प्लेस कर सके। तो हम यहाँ से कपड़े को इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि हम ऊपर इलास्टिक लगाएंगे तो उस हिसाब से हमें ऊपर जगह चाहिए। तो इस तरह से हम ऊपर से फोल्ड कर देंगे और ध्यान रखिए, ये फोल्डेड पोर्शन हमारी तरफ होना चाहिए और ये ओपन पोर्शन इस तरफ। तो हमारा ये टोटल 22 है। तो ऊपर हमने इस तरह से इलास्टिक के लिए एक 2.5 इंच, क्योंकि 1/2 इंच ऐसे स्टिच में जाएगा, तो इस तरह से ऊपर 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ के 22 नीचे भी हमें फोल्ड करने के लिए छोड़ना है। तो या तो आप इसमें एक्स्ट्रा 2 इंच छोड़ के आप फोल्ड कीजिए, या तो एक्स्ट्रा हम 2 इंच का पट्टी काट के ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसमें एक्स्ट्रा 2 इंच का पट्टी काट के ज्वाइन करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 22.5, क्योंकि 1/2 इंच हम पट्टी ज्वाइन करने के लिए लगेगा, तो हमारा बराबर का मेजरमेंट 22 होगा। देखिए इस तरह से आपका मेजरमेंट, आप ऊपर से 3 इंच ऐसे 3 या 2 इंच इलास्टिक के हिसाब से आप ऊपर से फोल्ड कीजिए। और नीचे भी अगर आप इसमें ही फोल्ड करने के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा दे के कट कीजिए, या तो आप 2 इंच का पट्टी कट करके हम स्टिच करने वाले। तो इस तरह से हमने इसका लेंथ का मेजरमेंट ले लिया है। अभी हम इसका देखिए यह क्रॉच का मेजरमेंट लेंगे। तो क्रॉच यहाँ से यहाँ तक, तो 8 इंच पे देखिए, 1 इंच इस तरह से 1 इंच पे क्रॉच आ रहा है, क्योंकि हमने वैसे भी ऊपर फोल्ड किया है। तो हम यहाँ से हमने 7 इंच मार्क किया था। देखिए ऐसे 7, तो यहाँ से हम बराबर 8 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्रॉच का 8 इंच का मार्किंग आता है। तो 8 इंच से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए बराबर एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है हमने, और इसको इस तरह से
मार्क करेंगे। मार्क करके हम इसको एक इस तरह से एक शेप देंगे। इस तरह से हम इसको देखिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेके तो बराबर यहाँ पे हम 7 आता है और इस तरह से, और ये हमारा नीचे का बॉटम है तो बॉटम को भी हम इस तरह से मार्क कर देंगे। और अब बॉटम का अभी देखिए ये फुल मेजरमेंट हो गया है, अभी हम बॉटम का विड्थ देखेंगे। तो बॉटम का हमारा ये जो विड्थ है ये हमारा 6 है, फिनिशिंग 6 है। तो इस तरह से हमारा ये बॉटम का विड्थ हम, क्योंकि स्टिच के लिए हमें चाहिए तो हम यहाँ पे बॉटम के लिए इस तरह से 7 बराबर, जितना ऊपर 7 था उतना ही 7 नीचे भी देंगे। और इस तरह से हम इसे थोड़ा सा कर्व लाइन में इसे मार्क कर देंगे यहाँ से यहाँ से। हम कट करते तरह से हमने ये ऊपर फोल्ड इस तरह से एक पार्ट कट हो गया है। इसी तरह से हम और एक पार्ट इस क्लॉथ के ऊपर रख के कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों पीस कट कर लिया है। ये ऊपर इस तरह से हम इलास्टिक लगाएंगे 1 इंच का, तो इलास्टिक के लिए देखिए इस तरह से इलास्टिक आएगा, ये इलास्टिक के लिए फोल्ड। और नीचे आप चाहे तो 2 इंच एक्स्ट्रा रख के, आपके मेजरमेंट से 2 इंच एक्स्ट्रा रख के कपड़े को ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे फोल्ड कर कर भी आप स्टिच कर सकते हैं, पर मैं इसमें ऐसे नहीं स्टिच करने वाली हूँ। मैं एक 2 इंच का एक्स्ट्रा ऐसे पट्टी कट करके इसमें मैं ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे स्टिच करूँगी। और थोड़ा सा इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये लेस भी मैं लगाऊंगी, ये सैटन रिबन लगाऊंगी कुछ इस तरह से, तो ये नीचे बहुत अच्छा दिखेगा। तो अभी हम हमारा ये कटिंग हो गया है। देखिए जो फर्स्ट बिगनर्स है वो ऐसे पट्टी कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे इलास्टिक के हिसाब से 2-3 इंच ज़्यादा और नीचे 1-2 इंच ज़्यादा रख के उस कपड़े को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए। देखिए अभी हम ये पट्टी जॉइन करेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर आप आपके लेगिंग्स या कुछ रख के, बच्चों के लेगिंग्स या कुछ रख के मेजरमेंट लेते हैं तो कॉटन क्लॉथ में थोड़ा लूज ही मेजरमेंट रखना चाहिए, क्योंकि लेगिंग्स ये सब स्ट्रेच होता है, वो बनियन क्लॉथ होता है। और ये कॉटन क्लॉथ जब हम वॉश करेंगे थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो लाइक श्रिंक हो जाता है, तो इसके वजह से आप जब भी मेजरमेंट लेंगे थोड़ा बड़ा ही मेजरमेंट लीजिए। अब हम इसको ऐसे करके इस क्लॉथ को ऐसे रख के फर्स्ट स्टिच करेंगे। स्टिच करके इसे हम इस तरफ से पलटी करेंगे, जो पट्टी हमने कट किया था देखिए पट्टी को इस तरह से हम
देखिए इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इस कपड़े को ऐसे करके देखिए यहाँ पे भी एक स्टिच करेंगे बराबर इसके ऊपर, ताकि वो फोल्ड करने में हमने इसको स्टिच किया है। देखिए अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से आपको जितना लेंथ का ये पट्टी चाहिए उतना लेंथ आप रख सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऐसे छोटा भी रख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको फैंसी बनाने के लिए अब सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं। मैं ये जो रिबन है देखिए इस रिबन को मैं इस तरह से फोल्ड करके इसे एज में स्टिच करूँगी। इस तरह से मैंने एज में जितना हमें इस पे चाहिए उतना हम इसको को अगर आपको ऐसे फोल्ड करने में लाइक थोड़ा मुश्किल होता है तो हम इसे ऐसे करके आयन भी कर सकते हैं। अगर आयन करके हम इसे स्टिच करेंगे तो बहुत परफेक्टली ऐसे ये बैठ जाएगा। देखिए इसे इस तरह से रख के हम ये वाला जो इसको इसके अंदर हम देंगे और थोड़ा सा ऐसे बाहर, देखिए ऐसे रख के हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। वैसे हम अंदर की तरफ रखते हैं। देखिए ये बराबर से आपको जितना बाहर से इसको दिखाना है इस हिसाब से आप ऐसे रख के देखिए इस तरह से दिखेगा। देखिए इस तरह से ये हमने स्टिच किया है। देखिए ये हमारा बॉटम होगा, बहुत अच्छा दिख रहा है। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करें, आप सिंपल सा फोल्ड भी कर सकते हैं। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से हम दूसरे साइड के पैंट को भी हम ऐसे स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये लगा लिया है। देखिए इस तरह से अभी हम देखिए इसको उल्टा करके ये दोनों साइड्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पे नहीं, स्ट्रेट
यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से इस साइड को भी ऊपर नहीं करेंगे, देखिए यहाँ से नीचे जो क्रॉच पोर्शन स्टार्ट होता है वहाँ से ऐसे नीचे जॉइन करेंगे। इस तरह से हमने ये दोनों साइड्स को जॉइन कर दिया है। अभी हम यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो इसके लिए एक साइड को हम ऐसे सीधा करके इसको हम ऐसे सीधा करके ये वाला जो क्लॉथ है देखिए अभी हम ये दोनों साइड्स को जॉइन ये ऐसे जॉइन हो गया। अब यू शेप में हम इसे जॉइन करने वाले हैं। तो पहला वाला कपड़ा देखिए हम ऐसे रखेंगे, देखिए ये वाला जो उल्टा वाला पोर्शन बाहर और सीधा वाला पोर्शन अंदर की तरफ, और ये दूसरा जो पैंट का कपड़ा है उसे हम इसी तरह से सीधा रखेंगे। सीधा रख के इसे हम देखिए अंदर की तरफ देंगे और हम ये दोनों जॉइंट्स को इस तरह से देखिए बराबर से, ताकि हमें वो स्टिच करने में सारी जगह देखिए इस तरह से ठीक से। और ये जो दोनों इस सेंटर जो है क्रॉच का जो सेंटर है ये बराबर ऐसे सेंटर में आना चाहिए। हम बराबर इसको एडजस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ये सेंटर में से रख के पिन कर सकते हैं। देखिए अभी ये इस तरह से अभी हम ऐसे राउंड शेप में स्टिच करेंगे। ये बराबर ऐसे सेंटर में आना चाहिए।
देखिए इस तरह से हमने ये सेंटर क्रॉच पोर्शन ऐसे स्टिच कर दिया है, ऐसे सर्कल शेप में इसे हमने स्टिच किया है। अब इसको हम सीधा कर देंगे। देखिए बराबर इस तरह से सेंटर हमारा स्टिच हो गया है। अभी हम ऊपर इलास्टिक लगाने के लिए स्टिच करने वाले हैं। देखिए ऊपर इलास्टिक लगाने के लिए हमने जितना इंच एक्स्ट्रा लिया था उतना हम, देखिए थोड़ा ये ऊपर नीचे है तो ये हम बराबर कट कर लेंगे। अभी इसे हम फिर से उल्टा करके कपड़े को इस तरफ ऐसे हम फोल्ड करेंगे। देखिए इलास्टिक लगाने के लिए कपड़े को ऐसे उल्टा करके उसके बाद देखिए हमने 2.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, क्योंकि 1 इंच का जो इलास्टिक है हमारा, ये इलास्टिक हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है तो इस हिसाब से हम इसे स्टिच करेंगे। आपको अगर बराबर ऐसे मेजरमेंट नहीं आता है तो आप फुल ऐसे लेके बराबर से इसे आयन करके उसके बाद अगर आप स्टिच करेंगे तो आपको बहुत इजी होगा। देखिए इस तरह से आप फुल बराबर 1.5 इंच का ऐसे मेजर करके आप ऐसे फुल लेके इस तरह से अगर आयन कर देंगे तो ऐसा पक्का बैठ जाएगा, उसके बाद आपको स्टिच करने में बहुत आसानी होगा। इस तरह से हम इसे राउंड स्टिच करेंगे, थोड़ा सा जगह इलास्टिक छोड़ने के लिए 1 इंच का गैप हम रखेंगे ताकि वो उसके अंदर हम इलास्टिक डाल सके। इस तरह से हम बराबर 1.5 इंच जितना इंच हमने यहाँ पे फोल्ड किया है उसी तरह से फुल ऐसे फोल्ड करके हम इसे स्टिच करेंगे। नीचे यहाँ पे 1 इंच का गैप हमें छोड़ना है ताकि हम इलास्टिक अंदर ये कर सके। बराबर ऐसे लेके हम देखिए इस तरह से हमने फुल स्टिच किया है, यहाँ पे हम इलास्टिक के लिए छोड़ देंगे। अब इलास्टिक के लिए देखिए इलास्टिक का मेजरमेंट ऐसा होगा, जितना आप वेस्ट का मेजरमेंट है आपका उससे 1-2 इंच आप कम लीजिए, या तो सिंपल आइडिया है कि आप जो इलास्टिक है उससे अंदर इंसर्ट कर दीजिए फुल, उसके बाद आप आपके हिसाब से इलास्टिक को स्ट्रेच करके टाइट लूज भी कर सकते हैं, या तो आप जितना वेस्ट का मेजरमेंट है उससे 1-2.5 इंच कम लीजिए। इस तरह से हम इसे या तो इलास्टिक को अंदर डाल के फुल इंसर्ट करके आप आपके हिसाब से मेजर करके भी कर सकते हैं। हमें इलास्टिक को ज्वाइन करना है तो इसके लिए ऐसे देखिए सिंपल आइडिया, इलास्टिक को ऐसे अंदर डाल के आप यहाँ पे पिन करके जितना आपको चाहिए आप ऐसे
स्ट्रेच करके देख सकते हैं, या तो मेजरमेंट या तो पहन के भी बच्चों को पहना के देख सकते हैं। जितना आपको टाइट चाहिए उस हिसाब से आप इलास्टिक को स्ट्रेच करके टाइट कर सकते हैं। अगर आपको मेजरमेंट लाइक 2 इंच कम लेना है, वो ऐसे समझ में नहीं आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसे मैंने बराबर ही लिया है, तो इसे उसके बाद ऐसे एज को हम स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद देखिए इस इलास्टिक को फिर से अब ऐसे अंदर की तरफ हम, और ये जो हमारा कि कच्चा वाला पोर्शन था जिसको हमने बिना स्टिच किए ऐसे छोड़ा था, देखिए इलास्टिक के लिए, उस पोर्शन को भी हम ध्यान दें, इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं लगना चाहिए, हम उस पोर्शन को भी ऐसे स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पे, नहीं तो आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा क्यूट सा पायजामा रेडी हो गया है। इसे पायजामा, नाइट ड्रेस का पैंट, इसे हम शॉर्ट ये 3/4 भी बना सकते हैं, फुल लेंथ भी, या तो हम छोटा सा बनाएंगे तो ये शॉर्ट्स बन जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा ये क्यूट सा पायजामा रेडी हो गया है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। And thank you for watching this video. Thank you. Take care. Bye.